हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली रिव्यू। दोस्तों, अगर आपकी स्किन में हल्की फुल्की पिगमेंटेशन आ गई है, अगर आप सनलाइट में ट्रैवल करते हैं, सूर्य की हानिकारक किरणें हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है फ्रेंड्स। स्किन में झाइयों की जो कि है शिकायत हो जाती है, त्वचा बहुत ज़्यादा मुरझा जाती है, डलनेस आ जाती है स्किन पे, स्किन पैची हो जाती है। तो अगर आपको भी ये सारी तकलीफें हो रही हैं, तो फ्रेंड्स आप डेफिनेटली सबसे पहले आप डर्मेट के पास जाके अपना आप स्किन बताएं और उसका सॉल्यूशन देखें। या अगर कोई ऐसा है जिसको प्रिवेंट करना है ये सब चीज़ें, तो मैं उनको हाईली सनस्क्रीन जो कि है रिकमेंड करूँगी। और ये जो सनस्क्रीन है जो मैं आपको आज रिव्यू शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम पॉन्स गाइज, ये आप देख सकते हैं। ये है पॉन्स की सेरम बूस्ट सनस्क्रीन। इसमें भरपूर मात्रा में सेरम है, तो ये स्किन को चिपचिपा बिल्कुल नहीं करती है। और इसमें को इसको लगाने से वाइट कास्ट भी नहीं आती स्किन, वो जैसे वाइट वाइट सी बिल्कुल नहीं लगेगी आपकी। प्रॉपर ये आपकी स्किन पे कवरेज देता है अगर आप सनलाइट में ट्रैवल करते हैं, अगर आप कहीं ऐसे ट्रैवलिंग के लिए भी गए हैं, या अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, सन की जो UVA और UVB रेज होती है स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। इसको अप्लाई करें और बाहर आप जो कि स्टेप आउट करें फ्रेंड्स। ये लाइट वेट क्रीम है, नायासिनामाइड सी के साथ ये आती है। नायासिनामाइड स्किन को हाईली नरिश करता है, स्किन को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्प करता है दोस्तों। एंड नॉन ऑयली है, नो वाइट कास्ट आपके फेस पे ये देता है। दिस ये जो आपकी पॉन्स की सेरम बूस्ट सनस्क्रीन है, ये आती है SPF 35 के साथ ही आती है, विच इज़ वेरी मच डिसेंट। PA++++, PA++++ के साथ ये आती है। UVA एंड UVB रेस से आपको बचाती है। एंड ये जो पैक है ये आप देख सकते हैं, ये 199 का आता है, यानी कि ऑलमोस्ट ये 200 का आता है दोस्तों। सनस्क्रीन विद नायासिनामाइड सी सेरम, दिस इज ऑसम गाइस। 97% यूवी प्रोटेक्शन एंड रिड्यूसेस सन डैमेज, यस। एंड हेल्प्स फेड टैनिंग एंड डार्क पैचेस, यस। ब्राइटन्स फॉर इवन टोन ग्लो, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, यस। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को एक बहुत बढ़िया सी कवरेज देगा, आपको बिल्कुल भी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। हल्की फुल्की पिगमेंटेशन अगर स्किन पे आ गई है, तो उसको तक ये रिपेयर करेगा आपके फेस पे, यस। महिलाओं के लिए मस्ट बाय एंड मस्ट यूज़ प्रोडक्ट है ये, इसको आप ज़रूर से परचेज करें। मार्केट में बहुत सी सनस्क्रीन्स मिलती है, बड़े बड़े दावे करती है, काम में फेल हो जाती है, बट ये जो पॉन्स की सनस्क्रीन है ये डेफिनेटली आपको एक थम्स अप वाला आपको ये रिजल्ट देने वाली है गाइस, यस दोस्तों। एंड 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट है जो कि 199 का आता है। तो सनस्क्रीन को कब लगाना होता है, ये भी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सनस्क्रीन की रिव्यू की है। बहुत लोग ऐसा सवाल करते हैं कि सनस्क्रीन को हम कब लगाएं, री अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। येस, डेफिनेटली अब री अप्लाई कर सकते हैं, बट सनस्क्रीन को आप तब लगाएं जब आप सुबह जब आप अपनी बेडिंग कर लेते हैं, स्किन को जब प्रेप करते हैं, टोनर लगाएं, उसके बाद सनस्क्रीन लगाएं। ये ना हो कि आप बाहर निकल रहे हैं तो लगाया और निकल गया, नहीं उस तरीके से नहीं। सनस्क्रीन लगा के आपको 15-20 मिनट के बाद आपको स्टेप आउट करना है, ताकि सनस्क्रीन आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और एक शील्ड का काम करे आपके स्किन पे। ओके दोस्तों, सो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है, और ये न्यूली लॉन्च भी हुआ है। एंड आप देख सकते हैं प्रॉपर गोल्डन कलर की ये ट्यूब है। पॉन्स की जो कंप्लीट न्यू रेंज है ये गोल्ड वाली, काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। सो यहाँ पे मैं आपको ये प्रोडक्ट का जो कि है टेक्सचर बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं वाइट कलर की इसकी जो फॉर्मूला है, एंड दिस ये देखिए, ये इतनी इजीली स्किन के अंदर ये यू 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 होके ये स्किन के अंदर ना, ये देखिए कितनी इजीली ये स्किन के अंदर जो कि है ढल गई है। लग ही नहीं रहा है कि हमने कुछ लगाया है यहाँ पर। और काफ़ी लोग इसलिए भी सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस देती है फेस पे, और स्किन बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाती है। तो ये उस तरीके से नहीं, नायासिनामाइड है इसके अंदर जो कि स्किन को रिपेयर बहुत बढ़िया और बहुत तत्काल वाला आपको रिजल्ट देता है दोस्तों। सो ये इस तरीके से, चलिए इसे मैं आपको फेस पे लगा के भी बता देती हूँ। स्किन मेरी कम्प्लीटली बेयर है, मैंने सब कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया हुआ है,
सिवाय एक लिपस्टिक के, दैट्स इट। तो इसे अभी आपको लगा के बता भी देती हूँ दोस्तों। सो इसे आप सुबह लगाएं, अगर आप कहीं आउटडोर पे ट्रैवलिंग पे हैं तो सनसेट लेटर हो रहा है, मतलब थोड़ा लेट वहाँ पे सन ढल रहा है, तो इसको रीअप्लाई भी कर सकते हैं, 5 घंटे के बाद वापस से रीअप्लाई कर सकते हैं। सो ये मैंने इतना सा लिया प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा और ले लेती हूँ, ये देखिए, इसको क्लीन स्किन पे आपको लगाना है। ओके, फेस आपका क्लीन होना चाहिए और इस तरीके से डैप डैप करके आप फेस पे से लगाएं। इसके ऊपर आप चाहे तो आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं एंड कॉम्पैक्ट भी आजकल अच्छे खासे SPF के साथ आ गया, तो आपको फुल फुल कवरेज ये देता है। SPF 35 भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है आपको स्किन पे एक शील्ड देने के लिए। देखा दोस्तों कितनी सेकंड्स के अंदर ये स्किन के अंदर बहुत ही अच्छे से, ये देख सकते हैं अब ये पेनेट्रेट हो गई है, बिल्कुल भी वाइट कास्ट आई है फेस पे नहीं, स्किन पे ये रिपेयर का काम करती है। नायासिनामाइड के साथ पहला ऐसा प्रोडक्ट आया है सनस्क्रीन के अंदर, नायासिनामाइड है गाइस। सो यू कैन सी रिजल्ट्स आप सभी के सामने हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। थोड़ा मुझे यहाँ पे ड्राइनेस है गले में, तो थोड़ी आवाज़ गड़बड़ है इस समय। सो फ्रेंड्स, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है, मैं महिलाओं को खास करके ये प्रोडक्ट बोलूँगी यूज़ करने के लिए, ताकि वो अपनी स्किन को इन सब डैमेजेस से जो कि है प्रिवेंट कर दे, या अगर डैमेज स्किन हो गई है तो सबसे पहले डर्मेट के पास जाए, उसका इलाज कराए, उसके बाद उनको इस प्रोडक्ट के विषय में पूछे कि वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। वैसे मना नहीं करने वाले हैं, नायासिनामाइड है ना, बोलेंगे आराम से यूज़ करो। यस गाइस, सो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर दूसरे भी कई ब्रांड्स के सनस्क्रीन्स की रिव्यू की है, लोटस, न्यूट्रोजेना एंड मैंने लैक्मे की, बहुत सी मतलब अलग अलग सनस्क्रीन्स की रिव्यू की है, तो आप दूसरी रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं डेमो के साथ। इसका तो डेमो आप लोगों ने देख ही लिया है फ्रेंड्स, सो इसको आप ज़रूर से यूज़ करें। लाइट वेट फॉर्मूले के साथ आती है, वेरी गुड, और इतनी सी पैकेजिंग आपको महीना डेढ़ महीना आराम से चल जाएगी। थोड़ा सा ही आपको फेस पे ये लगता है जितना मैंने लगाया है, नेक पे भी ज़रूर से इसे लगाइएगा। ओके, और अगर बाजुओं पे लगाना चाहें तो ज़रूर से लगाइएगा, अगर आप हाफ स्लीव्स वेयर करती है तो। एक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा मेरे चैनल डेली रिव्यू को, फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। और यस गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।